जा रही हूँ एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे कढ़ाई में। और इसके साथ मैं देने वाली हूँ ऐसी टिप और ट्रिक्स जिससे आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट होगा। और उसके साथ में हम करेंगे इसका सिंपल लेकिन यूनिक डेकोरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम की एक कढ़ाई, आप चाहें तो कुकर या भगोना भी ले सकते हैं। और अब हम ले रहे हैं इस तरह का स्टैंड और ये है हमारा केक टिन। तो सबसे पहले हमको ये मेजरमेंट करना है कि जो हमारा केक टिन है उसको हम प्रॉपर तरीके से कढ़ाई में रख के किस तरह से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर कवर होना चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से बेक होगा। और अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ नमक, लगभग 1 कप के करीब नमक डाल रही हूँ। ये डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इससे जो हमारा केक जब बेक होगा तो उसको हीट प्रॉपर लगेगी। तो हम पहले इसको प्री हीट करने के लिए कढ़ाई को ढक लगा के और रख देते हैं। सबसे पहले हम केक टिन को ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छे से हमने ऑयल लगा दिया है और उसकी किनारियों पे भी हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बटर पेपर। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से हम बटर पेपर को जो हमारा केक टिन है उसकी साइज से आसानी से कैसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, बस इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और जो केक टिन है उसको उल्टा करके और बीच में से इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये देखिए, जो हमने इसको फोल्ड किया है उसकी जो लास्ट किनारी है वहां से हम कट कर देंगे। इस तरह से जब हम कट करेंगे तो बिल्कुल केक टिन की साइज का हमारा जो बटर पेपर है वो कट होगा। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने कट कर लिया है और अब हम इसे केक टिन में लगा लेते हैं। बटर पेपर को हमने प्रॉपर से लगा लिया है, अब हम इसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। केक टिन हमारा तैयार हो चुका है और अब केक का बैटर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे दही, आधा कप दही लिया है मैंने यहाँ पे। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है। और 1/4 कप ले रही हूँ यहाँ पे ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। और इसके बाद में मैं ले रही हूँ यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 कप है कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें तो इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस, इससे केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसीलिए हम इसे डाल रहे हैं। और अब मैं डाल रही हूँ शुगर, यहाँ मैं 1 कप आइसिंग शुगर का यूज कर रही हूँ, जिसे हम पीसी भी शक्कर भी कह सकते हैं। विस्क की मदद से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है इसे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो केक को बेक करते हैं तो उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो। और जो हमने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क का यूज किया है उसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और इसका वीडियो मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। बस इसे बहुत अच्छे से हमें फेंटना जरूर है, लगभग 2 मिनट के करीब फेंटना है। जितना हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक बेक होगा। तो अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है और ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। और अब मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपको कि हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कितना लेना है। तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बिल्कुल मेजरमेंट आपको सही रखना है। और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे बेकिंग पाउडर, इसे हम 1.5 चम्मच लेंगे। तो मैं 1/2 चम्मच का मेजरमेंट के हिसाब से ले रही हूँ। तो मैं 3 बार ऐसे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। तो अब हम जो हमने बैटर तैयार किया है उसके ऊपर ही एक छलनी रख देंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। इस तरह से जब हम छान के मैदा डालेंगे तो उससे लम्स नहीं पड़ते हैं बैटर में। ये देखिए, बिल्कुल छान के लेना है। और अब हम जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लिया था उसे डाल देंगे और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर, इसे भी हम इस तरह से छान लेंगे।
अच्छे से हमने इसे छान लिया है और बस इस तरह से हम इसे भी अच्छे से मैश करके निकाल लेंगे। और इसे हम बस इस तरह से आपको स्पैचुला को घुमाना है और इस तरह से बीच में से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लग जाते हैं हमें इस तरह से मिक्स करते हुए केक के बैटर को। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे हमें इस बैटर को इस तरह से मिक्स करते जाना है। बिल्कुल स्मूथली मिक्स हो रहा है। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 1/2 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे, एक साथ में ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें जो केक का बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है। न ज्यादा उसे लिक्विड करना है और न ही उसे ज्यादा थिक रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बैटर का कलर भी चेंज हो रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती जा रही है। बस इसी तरह से धीरे धीरे मिक्स करना है। ये स्टेप हमें इसी तरह से इसलिए करना है, इससे ही जो केक में जाली पड़ती है वो इसी की मदद से पड़ती है। तो बस ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली मैं सारे दूध को मिला रही हूँ। कई बार सभी के केक जालीदार नहीं बनते, ज्यादा स्पॉन्जी नहीं होते हैं, तो आप इस मेथड को जरूर अपनाएं और इसी तरह से अपना केक बेक करें। ये बस इस बैटर को इसी तरह से बनाएं, तैयार करें। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है हमारा। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब विनेगर। यहाँ मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि जब भी आप विनेगर या नींबू या जो भी मिलाएं, उसके बाद में आप केक के बैटर को ज्यादा नहीं हिलाएं। बस 1 मिनट के लिए हम कट एंड फोल्ड मेथड से बस इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसे अगर ज्यादा हिला दिया आपने या ज्यादा रफली मिक्स कर दिया, तो आपका जो केक है वो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे केक टिन में खाली करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बस इसी तरह का आपको स्मूथ बैटर तैयार करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बैटर तैयार कर लें, उससे पहले आपकी जो कढ़ाई है जिसमें आप बना रहे हैं, केक को बेक कर रहे हैं, वो पहले से प्री हीटेड जरूर होनी चाहिए। तो बैटर को हमने केक टिन में निकाल लिया है। अब हम इस तरह से केक टिन को टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। 2 से 4 बार हम इस तरह से टैप कर लेंगे। और अब हम प्री हीटेड जो हमारी कढ़ाई है उसके अंदर हम इस केक टिन को जल्दी से रख देंगे और झट से कवर कर देंगे। केक को बेक होने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे हम। और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि 40 मिनट से पहले हमें इस ढक्कन को नहीं हटाना है। ये देखिए, 45 मिनट हो चुके हैं हमें, और टूथपिक डाल के मैं देख रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी केक नहीं चिपका है इसके ऊपर, तो इसका मतलब हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए हम निकाल देते हैं। रूम टेम्परेचर तक हम इसे ठंडा होने देते हैं और इस तरह से हम नाइफ से किनारियों को छुड़ा लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हुआ है और ये आराम से किनारियों को छोड़ रहा है। बस हमें एक बार नाइफ को चारों तरफ घुमाना है अच्छे से। केक हमारा रूम टेम्परेचर के बराबर हो चुका है, तो अब इसे निकालते हैं हम। तो इस तरह से एक प्लेट को ऊपर रखें और इस तरह से पलट देंगे उसे। वाओ, केक हमारा बहुत ही अच्छा बेक हुआ है और आप देख सकते हैं बहुत जालीदार और स्पॉन्जी बना है, और साथ में ये हमारा केक मॉइस्ट भी है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए एक एयर टाइट डब्बे में डाल के और फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि जब हम केक पर आइसिंग करते हैं तो जरूरी है जो केक है वो ठंडा हो। तो हमने 2 घंटे हो गए हैं, केक को बाहर निकाल देते हैं आइसिंग के लिए।
और अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेंगे। बहुत ही स्मूथली निकल जाता है, बहुत ही अच्छा केक जालीदार बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी है। तो अब हम केक टिन को ही उल्टा रख देंगे और इस तरह का एक ढक्कन लेके, और आप देख सकते हैं घूम रहा है इसके ऊपर, तो हम बहुत अच्छे से इसकी आइसिंग कर सकते हैं। तो हम केक को उसके ऊपर रख रहे हैं और नाइफ से उसे घुमाते हुए एक कट लगा रहे हैं, और फिर हम इस तरह से कट लगाने के बाद एक थ्रेड की मदद से और इस तरह से केक को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाता है। इस तरह से बस नाइफ से कट लगाना है और धागे से इस तरह से खींचना है। आप देख सकते हैं दो पार्ट में बहुत अच्छे से केक डिवाइड हो चुका है, बहुत जालीदार बनके तैयार हुआ है। तो अब हम एक पार्ट को साइड में रख देते हैं और बनाते हैं शुगर सिरप। तो दो चम्मच मैं यहाँ ले रही हूँ आइसिंग शुगर और उसमें हम डालेंगे दो चम्मच पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे और घर पर ही हम दो मिनट में शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। जब हम शुगर सिरप को केक पर डालते हैं तो केक हमारा और अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से किनारियों पे भी डालना है हमें, ताकि किनारियों से और बीच में से सभी तरफ अच्छे से शुगर सिरप डालना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है इससे केक। ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप न करें, इससे ही हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होके तैयार होगा। और इसी तरह से हम दूसरी वाली लेयर पे भी शुगर सिरप लगा देंगे। केक की आइसिंग के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ रिच की सन व्हिप क्रीम। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो पहले हम इसे शेक करेंगे, बाद में यूज करेंगे इसे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक बॉल और उसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स, और उसके अंदर हम रखेंगे एक और बॉल, और ये बिल्कुल ठंडी ठंडी से व्हिप क्रीम डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, एक कप के लगभग डालेंगे हम। और इसमें मार्केट स्टाइल का फ्लेवर लाने के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे एक चम्मच वनीला एसेंस, और इसे हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम क्रीम को विस्क की मदद से ही तैयार करेंगे। आप घर पे आसानी से विस्क की मदद से क्रीम तैयार कर सकते हैं, बस इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। बहुत सारे लोग हैं उनके पास में जो क्रीम है उसको बीट करने की मशीन नहीं होती है, तो आप इसकी मदद से आसानी से क्रीम को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो हम अच्छे से फेंट रहे हैं, और इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो बॉल है वो ठंडा ही रहना चाहिए, तो इसके लिए आइस क्यूब का यूज जरूर करें। ये देखिए आप देख सकते हैं क्रीम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये देखिए क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और क्रीम जब तैयार हो जाती है तो बिल्कुल इस तरह की हो जाती है कि जब हम ऊपर से इसे विस्क की मदद से उठाते हैं तो ये नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एक नोजल लगा हुआ पाइपिंग बैग, इसमें हम क्रीम को डालेंगे। इस तरह के पाइपिंग बैग और नोजल्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करके हम क्रीम को इसमें आसानी से भर लेंगे। क्रीम को हमने भर लिया है, अब हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हम केक की लेयर को उठा के और उसके नीचे थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे, ताकि हम इसे आसानी से यहाँ से हटा सकें। और इस तरह से पाइपिंग बैग की मदद से हम लेयर में क्रीम को लगाएंगे। आज मैं आपको क्रीम को दो तरह से स्प्रेड करना बताऊंगी। एक तो हम नाइफ से इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, ये देखिए प्लेट को इस तरह से घुमाते जाएंगे। क्रीम अच्छे से लगाना है हमें, ताकि जो हमारी लेयर है वो बहुत अच्छे से बन जाए, क्योंकि जब हम केक को कट करते हैं तो अगर आपकी लेयर प्रॉपर नहीं है तो केक ज्यादा स्मूथ नहीं रहेगा, तो इसके लिए जरूरी है। ये देखिए इस तरह से हम फैला देंगे,
ये मैं आपको नाइफ से लगाना बता रही हूँ। और अब हम जो दूसरा पार्ट है उसे उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे और इसका जो गैप है वो हम क्रीम की मदद से इसको कवर कर लेंगे। बस इस तरह से घुमाते हुए हमें इसकी गैप को कवर कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी जो केक की आइसिंग है उसे किस तरह से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आपको प्रोफेशनल वाला लुक देगा। ये देखिए, इस तरह की प्लास्टिक शीट आपके पास में हो या कोई कार्ड हो आपके पास में, तो उससे हम बिल्कुल आसानी से इस तरह से आइसिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बस हमें इस तरीके से प्लेट को घुमाते जाना है और ऊपर की तरफ हम जो क्रीम है उसको फैलाते जाएंगे। और ये देखिए, ऊपर भी हम इस तरह से क्रीम को लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से क्रीम को लगाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्रीम आपकी पाइपिंग बैग के अंदर है वो ठंडी होनी चाहिए, तभी आपकी केक की जो आइसिंग है वो बहुत प्रॉपर से होगी। बस केक को इस तरह से घुमाते जाएंगे और प्लास्टिक शीट से हम इस तरह से कवर करते जाएंगे। बहुत अच्छे से आइसिंग हो जाती है और बहुत प्रॉपरली हो जाती है। ये देखिए, बस घुमाते जाना है और सारी जगह को हमें कवर करना है क्रीम से। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये प्रॉपर होती जा रही है, तो क्रीम हमने प्रॉपर तरीके से लगा दी है। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक के डेकोरेशन के लिए ले रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट, तो चॉकलेट को हम इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने किया है एक बाउल में गर्म पानी और इसके ऊपर ही हम कांच के एक बाउल में चॉकलेट रख के उसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। बस चॉकलेट मेल्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो पानी है उसकी एक ड्रॉप भी चॉकलेट के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना वो चॉकलेट पूरी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो मेल्ट हुई हुई चॉकलेट है उसे आइसिंग क्रीम में मिलाएंगे और इस तरह से इसे फेंट लेंगे। हमें इस आइसिंग क्रीम का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि जो हम केक का डेकोरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में करने वाले हैं। तो बस तैयार है ये। अब हम मेल्ट हुई हुई चॉकलेट है उसको इस तरह से केक की किनारी पर डालेंगे। बस एक लेयर बनानी है हमें और इस तरह से नीचे की तरफ उसे गिरने देना है। केक हमारा ठंडा है इसलिए वो गिरते गिरते से ही जम जाएगी। और ये देखिए, ये वाली नोजल ले रही हूँ मैं और अब हम पाइपिंग बैग में ये वाली जो क्रीम है जो हमने तैयार करी है लाइट ब्राउन की उसे भर देंगे और इस तरह से किनारी पर हम डिजाइन बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत फटाफट से भी बन जाती है। अब जो केक की सेंटर है वहां पे हम क्रश की हुई चॉकलेट डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे उसे। और जो हमारे पास सिल्वर बॉल्स हैं उन्हें भी डाल देंगे, ज्यादा नहीं 8 से 10 सिल्वर बॉल्स डालेंगे। और चेरी लगाएंगे जिसपे हमने डिजाइन बनाई थी उसके ऊपर एक एक चेरी रख देंगे। ये आपको किसी भी फ्रूट शॉप पे मिल जाएगी आराम से। और अब हम अपने केक को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का हम जो पलटा है उसे धीरे से डाल के दो तरह से डालेंगे और इस तरह से धीरे धीरे से उठा के और हम धीरे से उसे निकाल देंगे और फिर उसी नोजल से हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से जब आप केक का डेकोरेशन करेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये केक मार्केट से नहीं लाया गया है। और ये देखिए, मैं कट करके बताती हूँ इसे कितना प्रॉपर बनाया है हमारा केक, बहुत ही सॉफ्ट। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।